गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ पूजा यादव। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। हमारी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन एग्रीगेट डिमांड का और कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन फंक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेविंग फंक्शन। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, या तो हम अपनी इनकम को कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे। जितनी कंज्यूम करेंगे, मतलब कंज्यूम करने के बाद जो हमारी इनकम बचती है हम उसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, देन आगे है, वी हैव सीन दैट सी इज रिलेटेड टू इनकम वाई। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंजम्पशन सी का रिलेशन वाई के साथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली एस मस्ट ऑल्सो रिलेटेड टू वाई। तो सेविंग भी इनकम से रिलेटेड होती है। कैसे, आगे हम देखेंगे, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन किसे बोलते हैं, जब फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच में, सेविंग और इनकम के बीच में। ठीक है, और कंजम्पशन फंक्शन क्या था, उसमें था जब द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, तो हम टेबुलर प्रेजेंटेशन देखते हैं। ऊपर हमारा कंजम्पशन फंक्शन का, ये हमारा सेविंग फंक्शन का, ये वाला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। आज अब हम सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। देखो, इसमें हमें एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या था कि अगर हमारी इनकम ज़ीरो होगी तब भी हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगा। हमें सर्वाइव करने के लिए भाई खाना पीना ये सब तो चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ तो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इनकम चाहे ज़ीरो हो, कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगा एक लेवल। फिर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे 20 से 60 हो गए जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी। ठीक है, फिर एक लेवल ऐसा आएगा जिस टाइम हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे हमारी इनकम ज़्यादा हो गई, अब हमारी कंजम्पशन सेटिस्फाई हो गई है, हमें 140 ही यूज़ करने हैं, तो फिर जो 10 रुपीज़ हैं यहाँ पे वो हम सेव, मतलब एक लेवल लास्ट में ऐसा आएगा कि हमारी इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन कम है, तो इस टाइम पे हम सेविंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एस फंक्शन। इसमें क्या है, इनकम हमारी ज़ीरो है तो सेविंग -20 है। ये -20 कैसे है, क्योंकि हमने 20 का कंजम्पशन किया था और हमने ऊपर पढ़ा है कि वाई इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो फिर हम सेविंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस सी। ठीक है, ओके, देन हमारा यहाँ पे सेविंग हो गया -20, फिर यहाँ पे भी ऐसे -10 हो गया, फिर इस लेवल पे हमारी इनकम 100 हुई तो यहाँ पे हमारी सेविंग ज़ीरो है, बिकॉज यहाँ पे हम फुल कंजम्पशन कर रहे हैं। जैसे 100 की इनकम हुई, हमने फुल मतलब 100 ही कंज्यूम कर लिए, तो फिर हमारी सेविंग ज़ीरो है। और फिर यहाँ पे 150, फिर हमने सेविंग स्टार्ट कर दी, यहाँ पे हमारे हो गए +10। ठीक है, ये हमने ये इसमें यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी सेविंग इंक्रीज होगी, इनकम भी इंक्रीज होगी। ठीक है, हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। इसमें है, हमारी इनकम पहले -20 थी, फिर -10 हुई, फिर ये लेवल है जब एक्स एक्सिस पे आएगी, इस लेवल पे हमारी इनकम ज़ीरो है और हमारी इनकम 100 है और हमारी सेविंग ज़ीरो है। ठीक है, देन अब ये हमारी सेविंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई इस पॉइंट से अबव, तो यहाँ पे हमारी सेविंग कितनी है, 10। ठीक है, इधर हम यहाँ पे हमारी सेविंग है वाई एक्सिस पे और यहाँ पे हमारी इनकम है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, हम देखते हैं एक बार इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। सेविंग मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस एंड इनकम मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस। एस लाइन रिप्रेजेंट सेविंग फंक्शन इंडिकेटिंग द बिहेवियर ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू वाई। हमारी एस लाइन सेविंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इनकम। ठीक है, फिर इसमें एस लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम -20 ऑन वाई एक्सिस, इट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एस व्हेन इनकम इज ज़ीरो। ठीक है, इट मस्ट कोरस्पोंड टू द मिनिमम लेवल ऑफ 12 व्हेन इनकम इज ज़ीरो। ठीक है, हमारी मतलब इनकम ज़ीरो है तब हमारी -20 है सेविंग। ठीक है, इसमें हमने ऐसे ही लिख रखा है। फिर है, एस लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इंडिकेट्स दैट एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई, हायर वाई कॉजेज हायर सेविंग।
इसमें लिखा गया है कि अपवर्ड स्लोपिंग में है एस लाइन में, सेविंग फंक्शन की लाइन अपवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ती जा रही है. ओके, देन एस लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस व्हेन वाई इक्वल टू 100, इट इंडिकेट्स दैट एस इक्वल टू 0. व्हेन वाई इक्वल टू 100, एयर कंजम्पशन मस्ट बी इक्वल टू इनकम 100. इसमें बताया गया कि एक्स एक्सिस पे सेविंग कब आई है, तब हमारी सेविंग 0 है, वाई हमारी इनकम 100 है, वो 100 की 100 कंज्यूम हो गई, उस टाइम पे हमारा 100 कंजम्पशन है, जो हमने इधर टेबल में देखा था कि मतलब यहाँ पे 100 के 100 कंज्यूम हो गई, हमारी इनकम इस टाइम पे 0 है, तो इस टाइम पे हमारी एक्स एक्सिस पे रहेगा सेविंग फंक्शन. ठीक है, उसके बाद एस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग टू इट्स कॉन्स्टेंट स्लोप, इट इंडिकेट दैट एक्स एस इज अ एस फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन. ठीक है, एक बार हम देखते हैं इसमें ये क्या है, ऊपर से देखते हैं. वैसे हमने पढ़ लिया कि जब यहाँ पे 20 कंजम्पशन हो रहा है सेविंग -20 रहेगी, फिर यहाँ पे 60 हो रहा है तो -10, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ती जा रही है. इस टाइम पे हमारा कंजम्पशन फुल हो रहा है 100 100, सेविंग 0 है, यहाँ पे कंजम्पशन कम हो गया, इनकम ज़्यादा है, फिर हमारी सेविंग स्टार्ट हो गई. ओके फ्रेंड्स, सेविंग फंक्शन में यही था, बस हमें यही याद रखना है, और ये हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, हमने इसमें डीपली भी पढ़ लिया. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और आगे फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.